हेलो एवरीवन, क्रूज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का ये जो बायोलॉजिकल लेक्चर है उसमें आप प्लांट साइंस का एक टॉपिक है फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, उसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। सो, आप लोगों ने कितने सारे फ्लावर्स देखे होंगे, देखे हैं ना, नाम बताइए। मैं भी रोज़ का फ्लावर सबसे मोस्ट फेवरेट है, जासूद का फ्लावर, जैस्मिन का फ्लावर, कई सारे फ्लावर्स आप लोगों ने देखे होंगे। ये जो फ्लावर्स है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, अगर किसी को प्रपोज करना है तो किसी को बुके देना है तभी करते हैं, इधर किसी की शादी है तो फूल उड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर जो आपको स्टडी करना है वो फ्लावर है, वो आपको टोटली साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी करना है। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट स्टडी ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स। फ्लावर जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लावर है क्या, फ्लावर जो है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन इज द वन प्रोसेस इन विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस वन अनदर लिविंग बीइंग लाइकवाइज इट्स पेरेंट्स। ओके, सो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर के अलावा फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव पोर्शंस ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये जो फ्लावर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लावर जो है वो सूट रिप्रोडक्टिव सूट कहलाता है। जो प्लांट का जो स्टेम एपेक्स है, वेजिटेटिव सूट जो होता है उसका मेटामॉर्फोसिस होकर फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होता है। वैसे फ्लावर में कई कितने सारे पोर्शंस होते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है वो कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन सा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्या उसकी अरेंजमेंट है वो भी सेम होगी या अलग अलग होगी, तो फ्लावर जो है उसके फोर पार्ट्स होते हैं, इट मीन्स उसके फोर मेंबर्स है। उस जो ये फोर मेंबर्स है उसकी अरेंजमेंट भी अलग अलग होती है। एक मेंबर है वो पूरा वॉल, इट मीन्स कि चक्र बनाता है, और ये जो चारों के चारों वॉल्स है वो क्लोजली अरेंज होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इसी तरह पूरा फ्लावर है वो फॉर्म करते हैं। ओके, जो फ्लावर है उसके फोर फ्लोरल वॉल्स होते हैं, हम उसको वॉल को हम फ्लोरल लीव भी बोल सकते हैं। ओके, फ्लावर जो है हम उसका स्टडी करते हैं तो पहले क्या होता है, उसका जो एक स्टॉक जैसा पोर्शन होता है जिसको हम हिंदी में पुष्पदंड भी बोलते हैं, कि ये जो पुष्पदंड है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। लाइकवाइज दिस ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर की सेम एक्सिस में अगर माँ बैक लीफ जैसा स्ट्रक्चर ग्रो हुआ होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ओके, ये जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है फ्लावर का पुष्पदंड है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल। अगर ये जो पेडिकल है उस पे ही अगर छोटे लीव्स जैसे और भी कोई स्ट्रक्चर्स है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ओके, ये जो फ्लोरल एक्सिस और फ्लावर का जो एलोंगेटेड पोर्शन होता है उसको ये जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज पेडिकल, एंड उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है थोड़ा सा स्वॉलन है और कप जैसा स्ट्रक्चर है उसका, उसको बोलते हैं थैलामस। अगर फ्लावर में पेडिकल प्रेजेंट है तो उसको पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं, अगर फ्लावर में पेडिकल इट मीन्स पुष्पदंड प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। ओके, जैसे बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो फ्लावर का सबसे आउटर पोर्शन जो है उसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स एक पूरा का पूरा वॉल, इट मीन्स एक चक्र है, और इसका हिंदी में नाम है वज्र चक्र। जैसे ही उसका नाम है उसी तरह उसका फंक्शन है, वज्र मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। तो ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स क्या करता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब वो कॉरोला और उसके जो अंदर के वॉल्स है उसको इनक्लोज करता है और उसको विंड से, वाटर से एंड इंसेक्ट से उसको प्रोटेक्शन देता है। ओके, इसके अलावा कैलिक्स जो है वो क्या फंक्शन करता है, क्योंकि उसके जो सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उसकी वजह से
वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, इस तरीके से फ्लावर को न्यूट्रिशन भी मिलता है। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, आउटर पोर्शन और फोर्थ वॉल, अगर हम बाहर से फ्लावर को कंसिडर करते हैं तो जो आउटर पोर्शन है उसको बोलते हैं कैलिक्स, और कैलिक्स पूरा चक्र है उसका एक मेंबर, उसको बोलते हैं सेपल। ओके, कैलिक्स के बाद हम जाते हैं जैसे फ्लावर में हम, तो कैलिक्स के बाद का कलरफुल पोर्शन आता है। जैसे आपने कई सारे कलर के फ्लावर देखे, रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर एट्सेट्रा, ये सब जो अट्रैक्टिव पोर्शन है, दिल को एक डायरेक्टली छू जाते हैं, वो होता है कोरोला। कोरोला जो है उसका फंक्शन ही है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ओके, इंसेक्ट तो अट्रैक्ट होते ही है, मगर ह्यूमन बीइंग है उसको भी वो बात जाता है, उसके दिल को भी छू जाता है। तो कोरोला जो वर्ड है वो हार्ट रिलेटेड है, और उसको हिंदी में बोलते हैं दल चक्र, मीन्स दिल को छू जाने वाला। ये जो रेड कलर का आप यहाँ पे ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब फॉर्म एक वॉल फॉर्म करता है, और उसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला है उसका जो एक मेंबर है उसको बोलते हैं पेटल, जिसको हम हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं। ओके, कोरोला उसका भी फंक्शन है कि कोरोला जो है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है उसको इनक्लोज करता है, और उसको भी इंसेक्ट, वाटर एंड विंड से बचाता है। जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं फ्लावर स्टडी करने में, तो थर्ड वॉल जो आता है कोरोला के बाद का जो वॉल है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव चक्र है, उसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर चक्र। ओके, ये जो ब्लैक कलर के पोर्शंस आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। यहाँ मैंने कितने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए, तो ये सभी मिलके एक वॉल बनाता है, उसी वॉल को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। अगर उसका जो एक मेंबर है उसको बोलते हैं हम स्टामेन, स्टामिन बोल सकते हैं। और ये स्टामिन जो है उसके भी अलग अलग थ्री पार्ट्स है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो एंड्रोसियम में टॉप मोस्ट पोजिशन पे है उसको बोलते हैं एंथर। ये जो एलोंगेटेड ट्यूब जैसा और फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों पोर्शन को जो कनेक्ट करती है उस टिश्यू को बोलते हैं हम कनेक्टिव। जैसे कि एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसका फंक्शन है मेल स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। इट मींस एंड्रोसियम में इसमें या माइक्रोस्पोर्स या तो पॉलन ग्रेन से उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, और थर्ड वॉल के बाद अगर हम जाते हैं फ्लावर में, तो सबसे इनर मोस्ट वॉल जो होता है ये पोर्शन उसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम भी एक वॉल है, इट मीन्स वो भी एक पूरा का पूरा चक्र है, और उसका एक सिंगल मेंबर उसको बोलते हैं पिस्टिल। एंड्रोसियम की तरह गाइनोसियम है, उसके भी थ्री पार्ट्स है। ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो एलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइल, और ये बेजल स्वॉलन स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं ओवरी। ये जो ओवरी होती है फ्लावर की, उसमें चैम्बर्स होती है, चैम्बर्स है उसके नंबर्स भी वेराइड होते हैं, 1 नंबर्स हो सकता है, 2 नंबर्स हो सकता है, और इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, ऑल ऑफ यू लर्न दैट देर आर 4 फ्लोरल लीव्स और 4 फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। दिस कैलिक्स एंड कोरोला आर द 2 आउटर और लोअर वॉल्स, एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द एसेंशियल वॉल्स और इनर मोस्ट वॉल्स। दे वाई इट इज़ एसेसरी वॉल्स एंड वाई इट इज़ एसेंशियल वॉल, इट इज़ एसेसरी वॉल्स बिकॉज दे आर डूइंग हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, एज वेल एज दे आर
doing protection, they are doing photosynthesis, and by this way they are nourishing the flower. Okay, these two walls, androecium and gynoecium, are the essential for reproduction because they are producing microspore and megaspore, which are essential for reproduction. That's why it is called essential wall. Okay, have you seen any flower in which you cannot distinguish this one is corolla and this one is calyx? Yes, it may be it can be happen because maybe you have seen the flowers which are like paper flowers. It is called bougainvillea flowers. In bougainvillea flowers, you cannot distinguish calyx and corolla because there is only one whorl present, which may be colorful, which may be green. So you can be confused. What we call it? We call it calyx or we call it corolla. So your confusion can be removed by this topic. If you can find the flower in which you cannot distinguish calyx and corolla, you cannot say this one is the dal chakra or this one is the vajra chakra. There is one another word for that flower. If there is only single member, single whorl is present in flower, we can say that one is the perianth. There is one dicotyledon monoclemidae, and in some monocot flowers you cannot distinguish calyx and corolla. For those type of flowers we will use the word perianth. Okay, और ये जो perianth है उसका एक member उसको बोलते हैं tepal. So these are the whorls of flower. But what is the function of androecium and gynoecium? Androecium and gynoecium are essential reproductive organs. They are playing important role in fertilization. Okay, by this gynoecium develop egg cell or megaspore, and the androecium develop microspores or pollen grains. When this anther become mature, pollen grains develop inside the anther. After the process of anthesis, anthesis एक process है जिसमें जो anther है वो break down होता है, उसके बाद उसमें से pollen grain है वो disperse होती है. जो pollen grain है वो यहाँ से बाहर आती है और water through, insect through या तो पवन के through उसका dispersal होता है, और ये जो pollen grain है वो gynoecium में ये जो stigma portion है वहाँ पे आता है. पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आती है. स्टिग्मा जो है उसको हम लैंड या तो रिसेप्टिव पोर्शन भी बोल सकते हैं. स्टिग्मा जो है वहाँ पर पॉलन ग्रेन अटैच होती है, एडहेर होती है, और उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है. उसके बाद जर्मिनेशन होने के बाद जो माइक्रोस्पोर है वो और जो मेगास्पोर है एग सेल, उस दोनों का फ्यूज़न होकर फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है. थियोरी में तो आप सबने ये सीख लिया कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं. ओके, प्रैक्टिकल में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इजीली अपने घर पे भी फ्लावर प्लग करके एक्सरसाइज कर सकते हैं. ओके, जनरली जो सू फ्लावर है, मीन्स जासूद का जो फ्लावर है, उसको आदर्श फ्लावर माना जाता है. और वो फ्लावर आप प्लग करके उसके जो डिफरेंट मेंबर्स है, डिफरेंट बॉल्स है, वो थियरी इस डायग्राम के ज़रिए आप उसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. उसके अलावा दतुरा मेटालिस का जो फ्लावर है, कैलोट्रोपिस मीन्स आँख का जो फ्लावर है, करण का जो फ्लावर है, ये सब फ्लावर आप प्लग करिए और उसका भी स्टडी करिए, और देखिए जो आइडियल फ्लावर है उसमें और ये सब फ्लावर्स में कोई डिफरेंस है क्या. इसके जो मेंबर्स है उसके नंबर्स में, उसकी जो पोजीशन है मेंबर्स की, उसमें कुछ डिफरेंस है क्या. अगर है तो ये सब पॉइंट नोट डाउन कीजिए, और उसका जो आंसर है वो आपको फ्यू अपकमिंग वीडियोस में मिलेगा.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू एवरीवन.